दोस्तों, 1 मार्च 2023 को मैंने एक ट्रेड कॉल दिया था जब बैंक निफ्टी का मार्केट प्राइस था 40,570। उसमें मैंने ये कॉल दिया था कि बैंक निफ्टी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में 42,000 से 43,000 तक जा सकता है विथ ए स्टॉप लॉस बिलो 39,700। उस टाइम पे मैंने बोला था कि दो एक दिन में ही मैंने ये वीडियो लेके आता हूँ। उसी वीडियो का ये एक मीन्स कौन से स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने ये ट्रेड लिया था। आप सरप्राइज हो जाओगे इस स्ट्रेटेजी पे नॉट ए सिंगल इंडिकेटर इज यूज्ड, ना ही बोलिंजर बैंड, ना ही RSI, ना ही इचुमुकू, ना ही स्टोकेस्टिक्स, MACD, कुछ नहीं, नथिंग, सिंपल प्राइस एक्शन एंड गैप, दैट्स ऑल। यहां पे गैप पहले बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स, गैप में बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो है कि बॉडी टू बॉडी, जहां पे आपका विक्स मैच एक दूसरे से आपका मिक्स हो सकता है, लाइक दिस। आप अगर विक्स को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, विक्स आर मीटिंग ईच अदर। सो दोज हु कंसीडर विक्स टू विक्स, इट इज नॉट ए गैप, बट दोज हु कंसीडर बॉडी टू बॉडी, ओपन क्लोज के बीच में जो रेंज है, दोनों के बीच में मैच मिक्स होना नहीं चाहिए, देन एंड ओनली देन देयर इज अ गैप। सो इस स्ट्रेटेजी पे हम बॉडी टू बॉडी गैप का इस्तेमाल करेंगे। सो आपका यहां पे जो स्ट्रेटेजी है, हाउ टू फाइंड आउट ए रिवर्सल डे After a trended up move or a trended down move, how to identify that point? यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो strategy मेरा कुछ personal invention नहीं है, ये मैंने सिद्धार्थ भानुशाली जी का, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनका YouTube video से मैंने copy किया है। मेरे को उनका ये YouTube video देखने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने back testing किया, मेरे को बहुत पसंद है। बहुत बोले तो बहुत ही पसंद आया, एंड आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग दैट वन एंड इट इज गिविंग मी ए गुड रिजल्ट। तो उसी बेसिस पे मैंने वो बैंक निफ्टी का ट्रेड कॉल दिया था। यहां पे क्या है कि आपको सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करना है, दिस कंडीशंस आर डिस्कस्ड हियर, जो मैं आगे जाके ऑलरेडी डिस्कस करूंगा, दैट इज व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर। रिवर्सल पॉइंट कैसे निकाला जाता है, एक अप ट्रेंड होगा विथ ए मिनिमम ऑफ 5% अप मूव फ्रॉम द स्विंग लो, उसके बाद एक गैप अप होगा, देन नेक्स्ट कैंडल भी गैप डाउन हो सकता है या 4-5 कैंडल के बाद भी गैप डाउन हो सकता है, होने के बाद एक फिर एक गैप डाउन हो गया, देन गैप डाउन होने के बाद जो कैंडल बनाया, दिस बिकम्स योर रिवर्सल पॉइंट कैंडल। इसके लो के नीचे सेल, स्टॉप लॉस अबव द हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल एंड टारगेट 1:2 से 1:5। इट्स लाइक द आइलैंड रिवर्सल। आइलैंड रिवर्सल कैंडल एक कॉन्सेप्ट है, उसी का एक एडवांस्ड संस्करण है। एक कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप देखिए प्राइस 39,000 से 44,000 गया, गैप अप गैप डाउन, सो दिस रेड कैंडल बिकम्स योर रिवर्सल पॉइंट कैंडल। इसके लो के नीचे सेल, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस एंड 1:2 से 1:5। सिमिलरली यहां पर भी एक गैप अप, देन गैप डाउन, देन डूम। सो ये हो गया आपका सेलिंग के लिए। सिमिलरली यहां पे देखिए, एक अप मूव, गैप अप, गैप डाउन, यहां पे आपका एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, दिस पॉइंट ये वाला,
because not a single system is 100% perfect. So don't try to find out any holy grail system. यहाँ पे देखिए फिर गैप अप देन गैप डाउन, सो सेल बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबव द हाई एंड 1:2 से 1:5. सिमिलरली यहाँ पे देखिए गैप, एक बिग गैप अप देन गैप डाउन देन सेल, स्टॉप लॉस अबव द हाई एंड रिस्क रिवार्ड. यहाँ पर भी देखिए गैप अप गैप डाउन देन नीचे, यहाँ पर भी देखिए गैप अप गैप डाउन नीचे, यहाँ पर भी देखिए गैप अप गैप डाउन नीचे. ये हो गया हाउ टू फाइंड आउट ए रिवर्सल पॉइंट फॉर सेलिंग आफ्टर ए अप ट्रेंड. अभी आते हैं हाउ टू फाइंड आउट ए रिवर्सल पॉइंट बाइंग साइड से. वहां पे क्या होगा, एक अच्छा खासा सेलिंग डाउनवर्ड सेलिंग होगा, उसके बाद गैप डाउन होगा, फिर गैप अप होगा. ये गैप डाउन एंड गैप अप के बीच में एक कैंडल भी हो सकता है या मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकता है, दैट इज नॉट आवर मेन लुकआउट. ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे एक आईलैंड रिवर्सल हो सकता है. उसके बाद इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई करेंगे, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस एंड टारगेट इज 1:2 से 1:5. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. यहाँ पे देखिए गैप डाउन देन गैप अप देन बूम, यहाँ पे देखिए गैप डाउन देन गैप अप एंड अप मूव. यहाँ पे आप बॉडी टू बॉडी देखना है, आपको उस परसेप्शन को डेवलप करना पड़ेगा. आप अगर शेडो टू शेडो कैंडल पकड़ोगी तो ये दिस इज नॉट ए गैप. सो यू नीड टू शिफ्ट दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये बॉडी टू बॉडी गैप होगा, चाहे एक का शेडो दूसरे के शेडो के साथ मिक्स हो जाए. यहां पर भी देखिए एक डाउन मूव, गैप डाउन, गैप अप एंड बूम. यहां पर भी देखिए गैप डाउन, गैप अप एंड बूम. सो अभी हम क्या करेंगे, कुछ लाइव एग्जाम्पल्स में जाएंगे. लाइव एग्जाम्पल्स में जाके हम कुछ फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे कि कैसे हुआ है ये. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन पीपीटी. यहाँ पे हमने ऑलरेडी पीपीटी में उसके बियॉन्ड हम जाने का कोशिश करते हैं. यहाँ पे देखिए कि ये एक गैप अप तो हुआ लेकिन गैप डाउन नहीं है, सो दिस इज नॉट ए कैंडिडेट. ये यहाँ पे आ चुका है, इसमें जाके आया है, सो वी विल इग्नोर दिस. फिर देखते हैं यहाँ पे इसका क्लोज कितने में है, 722. इसका ओपनिंग कितने, इसका भी क्लोजिंग कितने में है, 714. सो बॉडी टू बॉडी मिक्स हो गया, सो देयर इज नो गैप अप. यहाँ पर भी यहाँ पे है ये गैप अप देन गैप डाउन, परफेक्ट कंडीशंस. और देखते हैं ये आप देखिए डाउन मूव में बाइंग के लिए कितना बढ़िया एग्जांपल्स आया. और चलते हैं यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी आपका एक है जिसमें आपको 1:1 टाइप का रिजल्ट दिया है. ये पॉइंट में देखते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में है क्या, इसका क्लोजिंग कितने में है, 475, और इसका क्लोजिंग कितने में है, 474. सो बॉडी टू बॉडी मैच हो गया, सो देयर इज नो गैप. लेकिन यहां पे आया है, अभी हम निफ्टी का चार्ट निकालते हैं एंड उसमें ढूंढने का कुछ प्रयास करते हैं. ये 1 December का जो परफेक्ट आइलैंड रिवर्सल्स या रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल जो पॉइंट है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी देखिए. अभी देखने वाला बात ये है, यहाँ पे देखिए गैप डाउन फिर गैप अप, दैट मीन द केस दिस इज द रिवर्सल कैंडल. कल क्या कर सकते हैं, इसके हाई के ऊपर बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बिलो दिस लो एंड हम 1:2 से 1:5 के लिए देख सकते हैं. कुछ और ढूंढने का प्रयास करते हैं. इतना सिंपल है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिस. यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर भी देख लीजिए. यहां पर भी है,
सो इस टाइप का मल्टीपल थिंग्स यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। यहाँ पे देखिए, सो सिंपल बट यू नीड टू प्रैक्टिस। नाउ कम्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। वी कैन यूज इट इन इक्विटी कैश सेगमेंट फॉर बाइंग पर्पस, फॉर सेलिंग पर्पस कैश में हम कर नहीं सकते। देन इक्विटी डेरिवेटिव फ्यूचर्स में हम कर सकते हैं, फ्यूचर्स बाय सेल करने के लिए कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग के लिए यूज कर सकते हैं एंड ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अभी जैसे बैंक निफ्टी में एक ट्रेड कॉल था यहां पे, दैट मीन द केस हम 39,700 के पुट को नेक्स्ट एक्सपायरी या आने वाले दो तीन एक्सपायरी के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रहेगा एंड इसके ए लेवल तक नहीं आएगा तब तक हमारा पूरा प्रीमियम हम उसको एनकैश कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि हम एट द मनी कॉल को बाई कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, एक मोमेंटम मिल सकता है। और क्या कर सकते हैं, सपोज माई टारगेट इज 42,000, सो 42,000 के लिए 9th मार्च का या 16th मार्च का हम पुट को राइट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड हो जाएगा। डीप इन द मनी पुट को आप अगर राइट करोगे इन सच ए केस, इट्स एग्रेसिव ट्रेड, वो सजेस्टेबल अभी नहीं है। इवन 43,000 का अगर मेरा टारगेट है, सपोज दिस इज माई टारगेट 43,000, तो मैं मार्च एंड के लिए 43,000 का पुट को भी शॉर्ट कर सकता हूं। उसके लिए थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, इमीडिएटली डोंट ट्रेड। सो ये जो आपका आइलैंड रिवर्सल बोलिए या रिवर्सल पॉइंट कैसे निकालते हैं एंड अच्छा खासा एक आपका स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, व्यू कैसे बना सकते हैं, दिस इज सो सिंपल मेरे हिसाब से। और आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटीज है ही नहीं। सिर्फ आपको आई को सेट करना है कि बॉडी टू बॉडी गैप लेना है, वीक टू वीक गैप, शेडो टू शेडो गैप नहीं कंसीडर करना है। सो ये प्रेजेंटेशन यहीं तक एंड द क्रेडिट वंस अगेन आई एम गिविंग टू मिस्टर सिद्धार्थ भानुशाली। थैंक यू एंड बाय बाय।